मेरा प्रदेश लाइव की शुरुआत करते हैं। जिस तरीके से उत्तराखंड में सियासी बवाल मचा हुआ है, ऐसे में थोड़ी राहत मिली कि 31 मार्च को बहुमत साबित करने के लिए मौका मिल गया है बीजेपी को भी, कांग्रेस को। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि जब तक विधानसभा की कार्रवाई शुरू नहीं होती है, तब तक ये कह पाना मुश्किल है कि बहुमत साबित करने का मौका होता है या नहीं, क्योंकि यहाँ पर अभी सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता केंद्र सरकार के पास है। दूसरी तरफ अभी ये पशुपेश बना हुआ है कांग्रेस की तरफ से कि जो बागी विधायक हैं वो वोटिंग तो कर सकते हैं, लेकिन उनका जो मत उन्हें डालना देंगे वो अगर देते हैं तो उसकी काउंटिंग की जाएगी या नहीं। तमाम ऐसे पशुपेश हैं जो अभी फंसे हुए हैं, इसमें अभी बहुत टाइम भी है परसों के लिए। तो कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति से मुलाकात की है। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति को पूरे उत्तराखंड के सियासी घटनाक्रम से अवगत कराया है। मुलाकात के बाद कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने कहा है कि केंद्र सरकार कांग्रेस शासित राज्यों के खिलाफ साजिश कर रही है। एक और गंभीर विषय पर भी बात की है, हमने उनका ध्यानाकर्षण कराया है। एक संकट जो देश पर मंडरा रहा है, केंद्र सरकार के द्वारा एक के बाद एक गैर भाजपा गैर एनडीए सरकार को निशाना बनाना, उनको सत्ता से हटाना, संविधान का हनन करना, एक बहुत बड़ा आघात संघीय प्रणाली पर देश में है। यह अरुणाचल से आरंभ हुआ, उत्तराखंड तक पहुंचा, और जबकि ये तय हो गया था कि जो तरीके अपनाए गए वो संविधान के विरोध में है, संविधान उनकी स्वीकृति नहीं देता, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की है, धमकी दी है कि अब और कांग्रेस की सरकारें उनके निशाने पर हैं। तो ये जो जनमत है उसके खिलाफ है, जो चुनी हुई सरकारें हैं उनको असंवैधानिक तरीके से दल बदल करा के, खरीद फरोख्त करा के, और ऐसे साधनों का उपयोग करके जो कोई भी प्रजातंत्र और संविधान कानून जिसकी अनुमति नहीं देता, उस पर रोक लगनी चाहिए। उधर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर हमला किया है। उन्होंने कहा है कि अदालत के फैसले ने केंद्र सरकार को करारा जवाब दिया है। आपको बता दें कि अदालत का फैसला आने के बाद देहरादून में कांग्रेस नेता इंदिरा हृदयेश के घर में कांग्रेस नेताओं की बैठक हुई, जिसमें अदालत के फैसले पर चर्चा की गई। इसमें पीडीएफ के विधायक भी शामिल हुए थे। आपस में माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया, और हमारा स्पष्ट मानना है, सभी लोगों की राय थी कि ये उत्तराखंड में लोकतांत्रिक परंपराओं की जीत है, ये एक तमाचा है केंद्र सरकार के निर्णय पर। कांग्रेस शासित राज्य हैं या विपक्ष शासित राज्य हैं, उन राज्यों में ये इस तरीके की हरकतें नहीं कर पाएगा, केंद्र सरकार इस तरीके की हरकत नहीं कर पाएगी। तो उत्तराखंड में एक बार फिर सियासी मैदान खुल गया है। नैनीताल हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि उत्तराखंड विधानसभा में 31 मार्च को फ्लोर टेस्ट कराया जाए। हालांकि केंद्र सरकार हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। वहीं कांग्रेस भी 9 बागी विधायकों के मामले को हाईकोर्ट की डबल बेंच में ले जाएगी। नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले से साफ हो गया कि अब बहुमत का फैसला सदन में ही होगा। उत्तराखंड विधानसभा में 18 मार्च को धन विधेयक के गिरने या न गिरने वाली सरकार बचने या गिरने की दलीलों के बीच जो सियासी ड्रामा शुरू हुआ, वो अब अदालतों में दलीलों और फैसलों के बीच पल पल करवट बदल रहा है। फिलहाल नैनीताल हाईकोर्ट का फैसला है कि 31 मार्च को फिर से फ्लोर टेस्ट होगा, जिसमें उन 9 विधायकों को भी मतदान का अधिकार होगा जिन्होंने हरीश रावत सरकार के धन विधेयक के खिलाफ मतदान किया। माननीय राज्यपाल के आदेश का कि 28 तारीख को एक फ्लोर टेस्ट हो, उसको कार्यान्वित किया है उच्च न्यायालय ने। सिर्फ तिथि बदली है 28 से 31 मार्च। उच्च न्यायालय के अंतिम निर्देश पे ये निर्णय लिया जाएगा। अभी वो सभी वोट रखे जाएंगे जो डिस्क्वालिफाइड एमएलए के हैं अलग से। इतिहास में पहली बार एक हारा हुआ फाइनेंस बिल को पारित दिखाया जाए। अगर कांग्रेस इसको संवैधानिक और राजनीतिक जीत मानती है तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अदालत ने अपने फैसले में जो व्यवस्था दी है, उसमें कांग्रेस के 9 बागी विधायकों को वोटिंग का अधिकार दिया गया है, लेकिन उनके वोट अलग रखे गए हैं, उन पर पार्टी का विप लागू नहीं होगा।
अदालत के इस फैसले में उन 9 विधायकों की सदस्यता के मसले को लेकर कांग्रेस अब हाईकोर्ट के डबल बेंच में जाने की तैयारी कर रही है, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष के फैसले के मुताबिक अगर इनकी सदस्यता रद्द मानी जाएगी तो सदन के भीतर सिर्फ सदस्यों को ही जाने और मतदान का अधिकार होता है। हालांकि सदस्यों की सदस्यता रद्द होने पर स्पीकर का फैसला जब तक आया तब तक उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लग चुका था। डिस्क्वालीफाई किया था उनको भी शायद अलग से वोट देने का संकेत है इस ऑर्डर में। दूसरे राज्यों को अब इस तरीके के ट्रॉमा से, इस तरीके की स्थितियों से नहीं गुजरना पड़ेगा, ये उत्तराखंड हाईकोर्ट के निर्णय ने सुनिश्चित कर दिया। कहा है कि फ्लोर टेस्ट होना चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि वो समुचित है। एक बात तो साबित हो गई हाईकोर्ट के डिसीजन के बाद, जो 9 विधायकों को डिसक्वालीफाई किया था वो राजनीतिक कारणों से, विद्वेषपूर्ण भावना से यहाँ के स्पीकर साहब ने किया था। उधर केंद्र सरकार भी अदालत के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। फिलहाल 70 सदस्यों वाली उत्तराखंड विधानसभा में इस वक्त जो आंकड़ा है उसके मुताबिक कांग्रेस और बीजेपी के पास 27-27 विधायक है, पीडीएफ के पास 6, 9 कांग्रेस के बागी विधायक है जबकि 1 बीजेपी का बागी विधायक है। ऐसे में अगर कांग्रेस के 9 बागी विधायक अपने रुख पर अड़े रहते हैं तो कोर्ट के आदेश के बाद भी हरीश रावत के लिए फ्लोर पर अपना बहुमत सिद्ध करना आसान नहीं होगा। नैनीताल से राजू पांडे और देहरादून से सोनू सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7। और चलिए इसी खबर पर सीधे जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता सोनू सिंह। सोनू, जिस तरीके से सभी की निगाह 31 मार्च को है, लेकिन जिस तरीके से यहां पर केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाली है, तो ऐसे में अभी भी आखिरी वक्त तक, जब तक विधानसभा की कार्यवाही शुरू नहीं हो जाती है, कुछ कहा नहीं जा सकता। बिल्कुल दीपाली, आपने ठीक कहा। जैसा कि 27 तारीख को माहौल नजर आ रहा था, ठीक वैसा ही नजारा आज उत्तराखंड में नजर आ रहा है। देहरादून से नैनीताल, नैनीताल से दिल्ली, और बीजेपी हो या कांग्रेस, इन दोनों के लिए एक बड़ा चैलेंज माना जा रहा है। जो वास्तविकता है वो ये है कि जब तक कोर्ट के फैसला का अध्ययन नहीं कर लिया जाता है तब तक कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि यदि पीडीएफ के समर्थन को देखें और बहुमत 61 विधायकों पर देखें, तो निश्चित तौर पर इन 9 विधायकों को अलग करने के बाद जो संख्या बचती है उस पर यदि बहुमत देखें तो इस आस्पेक्ट में हरीश रावत अपने को स्वस्थ महसूस कर रहे हैं और वो उनका आत्मविश्वास नजर आ रहा है। और यदि इन 9 के 9 को जोड़ लिया जाए, जिस तरह से कोर्ट ने कहा है, 70 की संख्या पर यदि हम बहुमत की बात करें, तो निश्चित तौर पर ये हरीश रावत के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है। तो ये कानूनी दांव पेच में फंसता जा रहा है और इसमें सेंटर लीडरशिप अब इन्वॉल्व हो गई, तो ऐसे में ये प्रतिष्ठा का सवाल हो रहा है। और हरीश रावत जिस तरह से कह रहे हैं, जो अब ऑफ द रिकॉर्ड वो कार्यकर्ताओं को समझा रहे थे कि इसमें बहुत ज्यादा खुशी होने की आवश्यकता नहीं है, ये कानूनी दांव पेच है, इसको समझने की जरूरत है। दूसरी तरफ हरीश रावत इस बात को भी कह रहे हैं कि आने वाले प्रदेशों के लिए एक नसीहत होगी, केंद्र सरकार इस तरीके से कोशिश नहीं कर सकेगी। तो ये कानूनी दांव पेच में पूरा का पूरा मामला फंसता जा रहा है। ये देखना होगा कि जो हाईकोर्ट का फैसला है उसके अध्ययन के बाद चीजें कौन कौन सी साफ हो पाती हैं, और ये हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट, ये जो यहाँ जो दायर याचिका दायर करने का मामला है, इसमें आखिर दोनों दलों को क्या मिलने वाला है, ये देखना होगा। शुक्रिया सोनू ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो सियासत समय और समीकरणों का खेल है, एक लम्हा सालों की इबारत को लिखने का मादा रखता है। उत्तराखंड का सियासी संकट विधानसभा से शुरू होकर देहरादून से दिल्ली होते हाईकोर्ट पहुंच गया। आइए आपको तारीख दर तारीख पूरा मामला समझाते हैं। 18 मार्च को वित्त विधेयक पर मत विभाजन को लेकर हंगामा हुआ, बीजेपी के साथ कांग्रेस के 9 विधायक आ गए, रावत सरकार को अल्पमत में होने का दावा किया गया और स्पीकर ने बजट प्रस्ताव पास कर दिए। उसी राज्यपाल के आवास पर परेड हुई। 19 मार्च को बागी कांग्रेस एमएलए दिल्ली पहुंचे, रावत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला और 21 मार्च को बीजेपी नेता राष्ट्रपति से मिले, रावत सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल भी राष्ट्रपति से मिला और 26 मार्च को स्ट्रिंग से सूबे की सियासत में भूचाल आ गया। वही हरीश रावत पर खरीद फरोख्त का आरोप लगा। 27 मार्च को राज्य में राष्ट्रपति शासन लग गया, मोदी कैबिनेट ने राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश की। 28 मार्च को हरीश रावत को बहुमत साबित करना था, लिहाजा फैसले के खिलाफ कांग्रेस ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की और 29 मार्च को यानी कि आज नैनीताल हाईकोर्ट ने फ्लोर टेस्ट का आदेश दिया है। 9 बागी विधायक भी वोटिंग में हिस्सा लेंगे, लेकिन अब देखना होगा कि 31 मार्च को कौन बाजी मारेगा।
तो उत्तराखंड में सियासी लड़ाई पहली बार हो रही हो ऐसा नहीं है, बल्कि इसकी शुरुआत राज्य गठन के बाद से ही हो गई थी। बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं ने अपने आलाकमान के फैसले का विरोध किया, जिससे प्रदेश में अस्थिरता का दौर जारी है। देखिए रिपोर्ट। देवभूमि उत्तराखंड में सियासी उथल पुथल का इतिहास काफी पुराना है। सियासी जानकारों का मानना है कि उत्तराखंड की स्थापना के वक्त से ही इसकी सियासी जड़ें कमजोर रही हैं और ये सिलसिला अंतरिम सरकार के गठन से लेकर अभी तक जारी है। असल में 9 नवंबर 2000 को प्रदेश गठन के बाद जब बीजेपी की अंतरिम सरकार बनी तो बीजेपी आलाकमान ने हरियाणा मूल के नित्यानंद स्वामी को नए प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपी, जिसका बीजेपी विधायकों ने विरोध किया। ये लड़ाई इतनी बढ़ गई कि अंतरिम सरकार के मुख्यमंत्री होने के बावजूद वो अपना एक साल भी पूरा नहीं कर पाए और 11 महीने 20 दिन ही वो मुख्यमंत्री पद पर रहे। 29 अक्टूबर 2001 को उन्हें पद त्याग करना पड़ा। इसके बाद बीजेपी ने भगत सिंह कोश्यारी को कमान दी, लेकिन पार्टी इसके बाद भी चुनाव हार गई, जिसके लिए गुटबाजी को जिम्मेदार ठहराया गया। कैबिनेट मंत्री था, तीन तीन चार चार राज्य मंत्री मेरे साथ थे, तो यदि आप कहेंगे तो वैसे तो पहला मुख्यमंत्री बनने का दावा मेरा ही था, लेकिन नेतृत्व ने तय किया ये होगा, स्वामी जी को हम सब लोगों ने वो किया, स्वामी जी को फिर कोश्यारी जी को कर दिया, हम सब लोगों ने वो किया, खंडूरी जी आए, खंडूरी जी को हटा करके फिर निशंक जी को कह दिया, कोई बात नहीं, तो हमारे अपने घर के अंदर की व्यवस्था है। 2002 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जीत दर्ज की। उस वक्त हरीश रावत की अगुवाई में कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था, तब उनका मुख्यमंत्री बनना तय माना जा रहा था, लेकिन ऐन वक्त पर कांग्रेस आला कमान ने एनजी तिवारी को प्रदेश की कमान सौंप दी, जिससे हरीश रावत की उम्मीदों को झटका लगा। लेकिन हरीश रावत और उनके समर्थक चुप नहीं रहे। तिवारी के पूरे 5 साल के कार्यकाल में ऐसा कोई भी दिन नहीं बीता जब उनके इस्तीफे के कयास नहीं लगे हों। तिवारी जी चुनाव हरीश रावत ने जिताया, तिवारी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया। हरीश रावत जी ने तिवारी जी के लिए किया था वही अब उनके लिए हो रहा है, कहते हैं ना हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। दरअसल 2002 में प्रदेश का जो सियासी आंकड़ा था उसमें कांग्रेस के पास 36 सीटें थी, जबकि बीजेपी के पास 19 विधायक, बीएसपी के पास 7 और यूकेडी के पास 4 सीटें थी। वही एक सीट एनसीपी और 3 निर्दलीय जीते थे। बताया जाता है कि उस वक्त कांग्रेस के 36 में से 18 विधायक हरीश रावत समर्थक थे। 2002 से 2007 के बीच रावत ने अपने समर्थक विधायकों की कई बार आलाकमान के सामने परेड भी कराई, लेकिन राजनीति के खिलाड़ी एनडी तिवारी की सरकार को अस्थिर नहीं कर पाए और तिवारी ने पूरे 5 साल तक सरकार चलाई। जब पंडित नारायण तिवारी मुख्यमंत्री थे तब इन्होंने क्या काम करते थे, जब विजय भवना जी चीफ मिनिस्टर थे तब किशोर उपाध्याय क्या काम करते थे, पहले खुद के गिरेवान में तो झाको तुम कितने नैतिक हो। 2007 में उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार बनी, तब प्रदेश में बीजेपी ने भगत सिंह कोश्यारी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की, लेकिन बीजेपी आलाकमान ने मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी पार्टी के दिग्गज पीसी खंडूरी को सौंपी, जबकि ज्यादातर विधायक कोश्यारी को मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग कर रहे थे। इसका खामियाजा पार्टी को भुगतना भी पड़ा और राज्य में 2009 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी सभी 5 सीटें हार गई। इसके बाद उत्तराखंड बीजेपी में टकराव तेज हुआ, नतीजतन बीसी खंडूरी को पद से इस्तीफा देना पड़ा और जिम्मेदारी दी गई खंडूरी सरकार में स्वास्थ्य मंत्रालय संभाल रहे रमेश पोखरियाल निशंक को, लेकिन वो भी पार्टी के भीतर टकराव को रोक नहीं सके और ठीक चुनाव से पहले बीसी खंडूरी को दोबारा कमान सौंपी गई। लेकिन पार्टी इसके बाद भी 2012 चुनावों में एक सीट से कांग्रेस से पिछड़ गई और बीजेपी उत्तराखंड में सरकार नहीं बना पाई। लेकिन 2012 में हरीश रावत की उम्मीदों को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब कांग्रेस आलाकमान ने उनके बजाय राज्य की कमान विजय बहुगुणा के हाथों में सौंप दी। इसके बाद दिल्ली स्थित उनके आवास पर जो हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ उसे हर किसी ने देखा, यहाँ तक सोनिया और राहुल के खिलाफ नारे लगाने के आरोप भी उनके समर्थकों पर लगे। विरोध का आलम ये था कि विजय बहुगुणा ने अकेले शपथ ली। कहा तो यहाँ तक जा रहा था कि विजय बहुगुणा सदन में बहुमत साबित करने से पहले ही इस्तीफा दे देंगे, लेकिन
रावत ने इसकी एवज में अपने समर्थकों के लिए कैबिनेट और राज्यसभा सीट की मांग की, जिसके आगे आला कमान को झुकना पड़ा। लेकिन इसके बाद भी रावत समर्थक विधायकों ने विजय बहुगुणा को चैन की सांस लेने नहीं दी। करीब 2 साल के अपने कार्यकाल में विजय बहुगुणा का ज्यादा वक्त हरीश रावत समर्थक विधायकों के मान मनवल में बीता, और जब राज्य में आपदा आई तो प्रबंधन को लेकर भी सबसे ज्यादा सवाल रावत समर्थकों ने ही उठाए, जिसमें बहुगुणा फंस कर रह गए और राज्य की कुर्सी रावत को मिल गई, जिसका उन्हें लंबे वक्त से इंतजार था। कि जब मैं चीफ मिनिस्टर बना तो अपने साले के लिए राज्यसभा मांगी महेंद्र सिंह मेरा जी। और अपने रिश्तेदार गोविंद सिंह कुंजवार के लिए स्पीकर पद मांगा। जिस दिन हरीश रावत वहाँ मुख्यमंत्री के लिए आए थे सीएलपी के लीडर में, बहुमत उनके खिलाफ था हरीश रावत को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, और सतपाल महाराज ने रिबेल कर दिया था। उस वक्त मैं अगर जरा सा सतपाल महाराज को के साथ खड़ा हो जाता तो हरीश रावत चीफ मिनिस्टर नहीं होते। फरवरी 2014 में जब प्रदेश की कमान हरीश रावत ने संभाली तो उस वक्त 70 सीटों वाली उत्तराखंड विधानसभा में कांग्रेस के पास 33 और बीजेपी के पास 30 सीटें थी, जबकि पीजीएफ फ्रंट के 7 विधायक थे। लेकिन जब लोकसभा चुनाव के बाद प्रदेश में उपचुनाव हुए तो रावत के नेतृत्व में कांग्रेस ने जीत दर्ज की और आंकड़ा 36 तक जा पहुंचा। जनता की नज़र हम पर ठीक रहनी चाहिए, जनता की कृपा रहनी चाहिए और बाकी सब ठीक है। ये उत्तराखंड की जनता देखेगी और वो न्याय करेगी। अलग उत्तराखंड राज्य का गठन पर्वतीय इलाकों के विकास को लेकर किया गया था, लेकिन बीते 15 सालों में प्रदेश में पिछड़ापन बढ़ा है। आलम ये है कि दर्जनों गांव खाली हो गए, लेकिन प्रदेश में राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं इस कदर हावी हो चुकी है कि तिवारी सरकार को छोड़ दिया जाए तो कोई भी मुख्यमंत्री 5 साल पूरे नहीं कर पाया। देहरादून से सोनू सिंह और रंजना ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7।